हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड देख सकते हैं अभी मैं बना रही हूँ दोपहर की रोटी, क्योंकि फ्रेंड आज जो है हम लेट हो गए खाने में और मैं आई हूँ मम्मी के घर पे। तो घर पे तो कोई है नहीं, तो फिर नानी है, नानी जो छत पे बैठी है और मैंने डाले हैं छत पे गेहूं। हाँ ठीक है। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैं रोटी बना रही हूँ, एक रोटी ले रही। तो फ्रेंड नानी को भी खाना नहीं दिया है, लेट हो गए। तो फ्रेंड मुझे भी भूख लगी है और बच्चे ऊपर हैं। तो फ्रेंड मैं गेहूँ सुखा रही हूँ हमारे घर पे इस वजह से। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं गेहूँ और बाकी दालें और जो भी सामान होता है धूप में दिखाने वाला दिखा रखा छत पे, वो भी आपको जरूर दिखाऊंगी चल के। तो फ्रेंड चलते हैं, चलते रोटी बना रही हूँ। आप लोग अपनी ब्लॉग में बने रहिए, नानी को खाना दूंगी, मिलते आपसे। हम अपन बनाए हैं पानी लिए, पानी नानी के लिए पानी। हाँ भी दे रही है, दाल ही दाल है या आलू सब्जी। हाँ पहले रोटी लिया को कस्टर्ड कर रही। तो फिर देख सकते हैं नानी जो है खाना खा रही हैं और हम चलते उधर छत पे गेहूँ हमने डाल रखे हैं। देख सकते हैं आप लोग गेहूँ डाल रखे हैं और नानी खा रही खाना, क्योंकि फ्रेंड टाइम हो गया करीब 2 बजे। ना खाइयो कहे तरकारी मिर्चा लगा दाले खाइयो। चलो ठीक है, तुम दाल खा लो, सब्जी वो फिर छोड़ दे, हम खा ले बा रोटी और बनाई ना। दोस्तों देख सकते हैं मेरी रोटी बन रही है तवा पे, नानी को हम खाना दे आए हैं। और ये रही मेरी इधर रोटी पीली हुई रखी हुई है। आज जो है हमारी आलू और मशरूम की सब्जी है और इस टिफिन में है दाल। तो फिर देख सकते हैं कल मैंने मिक्स दाल बनाई थी, ये दाल में बची हुई थी तो मैं लेके आई। और उधर हमारी रोटी बनी, दो लोई पड़ी हुई है, तो फिर रोटी हम बना लेंगे, उसके बाद हम चल के बच्चों के साथ में खाएंगे छत पे, जो कि सब नानी जो है गेहूँ बचा रही हैं। तो फिर ये रोटी भी हमारी अब हो गई। गैस मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी, क्योंकि फ्रेंड अभी मैं अपने घर का काम ख़त्म करके आई, सुबह आई थी यहाँ गेहूँ डाल गई थी, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर तो कोई रहता नहीं है और मम्मी वगैरह काम ख़त्म करके यहाँ का चली गई थी। और मैं सुबह यहाँ गेहूँ डालने के लिए इसलिए आई थी क्योंकि फ्रेंड हमारे उधर कबूतर बहुत ज़्यादा गिरते हैं, इस वजह से मतलब गिरते क्या है बहुत कबूतर है, इस वजह से मैं यहाँ डालने आई थी। और यहाँ कार्तिक भी बचाता रहेगा, तो रोटी हमारी रेडी हुई, दो लोई बची, तब तक आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में हमारे बनी रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं खाना लेके आ चुकी हूँ, उधर कटोरी में चटनी है, इधर मशरूम आलू है और एक पहले मक्खी भी बच रही है। तो फिर देख सकते हैं। तो दोस्तों जा रहे हैं हम खाना खाने के लिए, तो आप लोग भी आइए, आप लोग भी शामिल हो जाइए। तो फ्रेंड चलते हैं खाने का आनंद लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तब तक कि आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। उधर देख सकते हैं आज झाँक रहा है और नानी जो है गेहूँ रखवाली कर रही। तो फिर चलते, भूख को बहुत जोर से लगी फ्रेंड, 2 बजे खा लेते हैं आप लोग। तो गैस लो हो गया, खाना पीना भी है हमारा। और फ्रेंड जो गेहूँ थी वो भी मैंने चाल के साफ करके रख दिए टब में भर के, और वो फ्रेंड बोरे में भर के आज मैं लेके जाऊँगी अपने घर। बच्चे हैं जो छत पे खेल रहे हैं और फ्रेंड नानी जो है कमरे में लेटी हुई हैं। और फ्रेंड अभी बन रही है हमारी चाय, तो फ्रेंड करीब टाइम बचने वाला होगा करीब 5, तो फ्रेंड 5 नहीं बजा है, गलत बोली मैं, 4 बज रहा है अभी। तो फ्रेंड अब बन रही है हमारी चाय, तो फ्रेंड अब हम चाय पियेंगे और उसके बाद फ्रेंड मैं जाऊंगी घर पे। घर पे कपड़े पर उठा के आऊँगी, फ्रेंड कुछ कपड़े मैंने सुबह धोए थे और मैं कपड़े उठा के आऊँगी, तब तक कि आप लोग बन रही है। तो कैसे देख सकते हैं चाय हमारी बन रही है और फ्रेंड नानी लेटी हुई है, तो फ्रेंड नानी को चाय दे के और उसके बाद बच्चों को छोड़ के मैं जाऊंगी घर पे गेहूँ रखने के लिए। और फिर फ्रेंड छत पे कपड़े पड़े पड़ेंगे वो उठा के रख के आऊँगी। तो फ्रेंड बने रहिए आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में। सो दोस्तों आ चुकी हूँ मैं अपने घर पे और फ्रेंड देख सकते हैं कि मैं किचन में हूँ। फ्रेंड तो आज मैंने घर पर रह के बहुत सारे काम करे, जो कि फ्रेंड कल मैंने गेहूँ धोए थे, आज उनको धूप दिखाई प्रॉपर साफ करे, उनको चाले पछोड़े, ये सारा काम मैंने आज खत्म कर लिया है। और फ्रेंड कल की धूप और दिखा देंगे तो गेहूँ जो है पीसने लायक तैयार रहेंगे।
तो फ्रेंड मैंने थाली से ही रेडी करके रख दी, क्योंकि फ्रेंड 2-4-10 दिन में हमारा ये आटा खत्म हो जाएगा। मतलब एक हफ्ते का आटा है जो कि चल सकता है, उसके बाद जो है हमारा आटा खत्म हो जाएगा। तो ये गेहूँ जो रहेगी हम एक बार धूप दिखाएंगे और उसके बाद पिसवाने के लिए डाल सकते हैं। तो फ्रेंड आई मैं अपने रूम पे, फ्रेंड चाय वाय पी के आ चुकी हूँ नानी के साथ में। तो देख सकते हैं फ्रेंड ये लोग आप लोग इसमें है। तो दोस्तों देखिए ये सोया बड़ी जो कि मैंने आज धूप दिखाई थी, जल्दी हम लोग बनाते नहीं, इसलिए मैंने बोला धूप दिखा के इसको रख दूंगी, तो फ्रेंड थोड़ा कीड़े वेड़े नहीं लगेंगे इनमें। और ये है फ्रेंड देख सकते हैं, ये मैंने गुलाब के फूल जो थे इनको सुखाए हैं, और इनके लिए हम अच्छे से इनको पैक करके रख देंगे कि फ्रेंड चाय वाय बनाएंगे उसमें काम आएगी, तो टेस्टी चाय बनती है। और ये रही हमारी मसूर की दाल, और ये रही हमारी चने की दाल, और ये रही हमारी मिक्स दाल, और ये रहे हमारे राजमा, जो कि फ्रेंड इन सबको मैंने आज दिखाई है धूप। तो फ्रेंड कल मैंने मिक्स दाल बनाई थी, तो फ्रेंड आप देखते हैं आज हम शायद मशरूम बनाएंगे। तो फ्रेंड ये है मेरी कुछ घर के काम जो कि आज मैं इन सबसे निपट चुकी हूँ। तो फ्रेंड चलते हैं इसको ऊपर वाले किचन में लगा देते हैं हमारे स्लैब पे, और उसके बाद चलेंगे हम लोग छत पे। तो फ्रेंड आज के हमारे ये काम थे। तो फ्रेंड देख सकते हैं डेली रूटीन में कितना सारा काम, कोई ना काम कम बढ़ जाता है। तो फ्रेंड आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अच्छा और कुछ नया लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय गाइज़।